न्योनेटल जॉन्डिस यानी नवजात शिशु का पीलिया एक कॉमन प्रॉब्लम नवजात शिशु में पाया जाता है। जब बच्चा पहले हफ्ते में पीला लगने लगता है तो उसे न्योनेटल जॉन्डिस कहते हैं। आइए हम उसके बारे में बात करते हैं। मैं डॉक्टर विनय जोशी, सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट पीडियाट्रिशियन क्लाउड 9 हॉस्पिटल मलाड मुंबई। एक कॉमन प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा पहले हफ्ते में पीला दिखने लगता है। प्रीमैच्योर बच्चा हो, जैसे कि 37 वीक से पहले पैदा हो या फिर लो बर्थ वेट हो, तो सीवियरिटी ऑफ जॉन्डिस या पीलिया ज़्यादा होता है। एक बात समझना ज़रूरी है कि नवजात शिशु का पीलिया या न्यूरल जॉन्डिस इज डिफरेंट फ्रॉम जो चिल्ड्रन और एडल्ट्स में पाया जाता है। चलो हम अब इसके कॉजेस की तरफ देखते हैं। सबसे कॉमन कॉज या वजह यह होती है कि RBC का टूटना, यानी लाल पेशियां जो ब्लड में होती है, जब वो टूटती है तो वहाँ से पिगमेंट रिलीज होता है जिसका येलो कलर होता है, उसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। और ये येलो कलर पिगमेंट बिलिरुबिन जब शरीर में जाके स्किन में या आई में जाके बस जाता है तो शरीर पीला दिखने लगता है, आईज भी पीले दिखने लगती है, तो इसे हम न्यूरोनल जॉन्डिस बोलते हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि लिवर इमैच्योर हो। इसका मतलब जो बिलिरुबिन फॉर्म हो जाता है उसका प्रोसेसिंग ठीक तरह से या कंप्लीट तरह से लिवर कर नहीं पाता और उसकी वजह से बिलिरुबिन बॉडी में जमा हो जाता है। तीसरी वजह मदर और बेबी का ब्लड ग्रुप का अलग होना, जिससे हम इनकॉम्पैटिबिलिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ओ हो और बेबी का ए या बी हो, या मदर का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव हो और बेबी का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव हो, तो ये जब इनकॉम्पैटिबिलिटी होती है, RH इनकॉम्पैटिबिलिटी और ABO इनकॉम्पैटिबिलिटी, तो रिस्क ऑफ जॉन्डिस या पीलिया बढ़ जाता है। कई अन्य कारण की वजह से जॉन्डिस का रिस्क बढ़ सकता है, जैसे कि बेबी में इन्फेक्शन हो, सेप्सिस हो, किसी एंजाइम की कमी हो या हार्मोन की कमी हो, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म, तो रिस्क ऑफ जॉन्डिस बढ़ जाता है। इंडिया जैसे जगह पे जहाँ पे समर सीजन में डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है, और डिहाइड्रेशन और इनएडिक्वेट ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी वजह से भी रिस्क ऑफ जॉन्डिस बढ़ जाता है। सो एक कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से न्यूरल जॉन्डिस या नवजात शिशु का पीलिया हमें देखने को मिलता है। अब हमने जॉन्डिस क्या होता है और क्यों होता है ये हमने देख लिया। अभी हम जानेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। आमतौर पे जो जॉन्डिस दिखता है, जिसे हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं, वो यूजुअली 3rd या 4th डे पे आ जाता है। उसके बाद 2 दिन वो बढ़ेगा, उसके बाद स्लोली वो सिस्टम से बाहर हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो ये जॉन्डिस जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, 3rd-4th दिन आके 2 हफ्ते तक अपने आप कम हो जाता है। इसे ट्रीटमेंट या इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी दूसरा वैरायटी जो है, दूसरा टाइप जो है, जो डेंजरस टाइप है, वो है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस यूजुअली पहले 24 घंटे में आ जाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है, और कभी कभार ये तो 2 हफ्ते से ज़्यादा भी रह जाता है। जब हम पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशंस और उसका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। 2 हफ्ते के बाद भी रहता है तो वो भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस कहलाता है, और उसके भी इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। और एक बात, अगर बेबी को जॉन्डिस हो और बेबी हाई कलर्ड यानी डार्क यूरिन पास कर रहा हो और स्टूल्स उसके पेल यानी वाइट अगर पास कर रहा है, तो फिर ये भी पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है और इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ जॉन्डिस के बाद हम सिम्टम्स और डायग्नोसिस देखते हैं।
सिम्टम्स में बच्चे की आंखें पीली लगेगी, बच्चे का शरीर पीला लगेगा। और डायग्नोसिस में बस अगर हमको ये बेबी का कलर और बेबी के आंखें अगर पीली लगने लगी तो इसका मतलब बेबी को पीलिया हो गया है। हैंड हेल्ड मशीन्स पोर्टेबल मशीन्स अवेलेबल है जिसे हम ट्रांसक्यूटेनियस बिलीरुबिनोमीटर बोलते हैं। वो अगर मशीन हम बेबी के माथे पे लगाते हैं तो उसे हमें वैल्यू मिलती है। अगर ए वैल्यू अगर 15 mg/cl से ज़्यादा हो तो फिर हमें उसका ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा। तो जब हम जॉन्डिस का डायग्नोसिस करते हैं तो जॉन्डिस का लेवल कितना है वो देखना है। अगर वो लेवल ज़्यादा है तो फिर हमें जॉन्डिस क्यों है इसकी वजह भी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे कि मदर का ब्लड ग्रुप, बेबी का ब्लड ग्रुप, अगर बेबी में इन्फेक्शन है क्या वो रूल आउट करना पड़ेगा। और कई कई बार हमको बाकी के जो वजह है जैसे कि हार्मोन डेफिशिएंसी हो, एंजाइम डेफिशिएंसी हो, तो फिर उसको भी हमको रूल आउट करने पड़ेंगे और उसके लिए हमको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। सो टू समराइज, न्यूनेटल जॉन्डिस या नवजात शिशु का पीलिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, लगभग सभी बच्चों में इसे पाया जाता है। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस या फिर आमतौर का जॉन्डिस, उसे ट्रीटमेंट और की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर लेवल्स बढ़ जाते हैं या जॉन्डिस पैथोलॉजिकल हो तो इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है।